तो गाइस आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे पोकेमोन्स के बारे में जो कि एक अंडे से हैच हुए हैं इन एंड में। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो हम बढ़ते हैं हमारी लिस्ट की ओर। नंबर 5 मेका ईवी। तो वेल होराइज़न के अंदर मे को एक एग मिला था जिसके अंदर आगे जाके ईवी निकली थी एंड इस ईवी ने मे के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करी एंड उसको काफ़ी सारे कॉन्टेस्ट जितवाए। एंड जब वो बाद में डायमंड एंड पॉल के अंदर रिटर्न किया था तब हमें पता लगा था कि उसकी ईवी ग्लेशियर में इवॉल्व हो चुकी है एंड और भी पावरफुल बन चुकी है। ये पोकेमॉन सच में काफ़ी कमाल का था, जब ये एग्स निकला था वो मोमेंट काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड काफ़ी ज़्यादा स्वीट था। नंबर 4 ब्रॉक की हैपीनी। ये पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा क्यूट है एंड जब ये एग के अंदर से निकली थी तो हम सबकी फेवरेट पोकेमॉन बन गई थी। इसी ने ब्रॉक को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है उसके ड्रीम को अचीव करने के लिए। हम सबको पता है ब्रॉक को बनना था पोकेमॉन ब्रीडर, लेकिन इस पोकेमॉन के आने के बाद ब्रॉक ने डिसाइड किया कि वो बनेगा पोकेमॉन डॉक्टर। एंड ये पोकेमॉन काफ़ी कमाल का मूवमेंट दिया था जब ये एक्स निकला था एंड सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीटी पोकेमॉन है। नंबर 3 एश का नोवीबैट। ये एश का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन है एंड आगे जाके इवॉल्व होगा था नोवीवॉन के अंदर। ये एश को एज ए एग मिला था एंड एश एंड उसकी टीम ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी इस पोकेमॉन को एक्स से बाहर निकलने में। एंड एक्स से निकलते ही इसने एश की टीम ज्वाइन कर ली एंड एश से काफ़ी फ्रेंडली हो गया एंड इसने काफ़ी अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर दिया हालूचा के साथ। नंबर 2 टोगपी। ये पोकेमॉन जब एक्स से निकला था वो काफ़ी ज़्यादा फनी मोमेंट था क्योंकि किसका पोकेमॉन था हम सबको पता ही नहीं लग रहा था। इसके लिए टीम रॉकेट भी लड़ रहे थे, ब्रॉक एश एंड मिस्टी भी लड़ रहे थे एंड लेकिन एट द एंड ये पोकेमॉन मिला मिस्टी को एंड ये एग मोमेंट सबसे ज़्यादा अच्छा था एंड सबसे ज़्यादा मज़ेदार था। एंड फाइनली ऑन नंबर 1 एश का रियोलू। अगर आपको नहीं पता है तो ऐश को उसका रियोलू एज ए एग मिला था एंड वो एग से ही ऐश का ऑरा सेंस कर पाता था एंड लेटर ऑन ऐश की मदद से पोकेमॉन एग से हैच हुआ एंड काफ़ी कमाल का लुकारियो बन गया। ये मेगा इवॉल्व कर सकता है एंड ऐश के साथ मिलकर काफ़ी पावरफुल अटैक भी परफॉर्म कर सकता है एंड ये पोकेमॉन वन ऑफ द बेस्ट पोकेमॉन है अपने ऐश कैचम का। तो वेल हमारी लिस्ट यहीं पे खत्म होती है। अगर कोई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।